राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है राजस्थान में। आप राजस्थान तो आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता आपसे मांग रही है जवाब। मैं आपसे पूछता हूं सवाल। आप यहां पर आए, आपने ऐलान करा बड़े ड्रामेटिक तरीके से, 1, 2, 3, 10 और 10 के बाद हो गया बस, क्योंकि अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, अभी तक किसान कर रहे हैं इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करी। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख ने आवेदन पत्र दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये सूची केंद्र सरकार को नहीं दी। उन 30 लाख किसानों का अपमान भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, और वो मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान करा कि देश के 50 करोड़ व्यक्तियों को अगर बीमारी हो तो उनको बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आपने राजस्थान की भामाशाह योजना को भी बंद कर दिया, जिससे ये मुफ्त इलाज हो रहा था, और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को भी स्वीकार नहीं करा। राजस्थान के सभी लोग जो पीड़ित हैं, वो आपसे मांग रहे हैं जवाब। आप आ रहे हैं राजस्थान और आपकी सिक्योरिटी के लिए लगी है पुलिस। पिछले 2 दिनों के अंदर राजस्थान में 10 रेप हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये आपकी सरकार की देन है। यहाँ पर हर महिला आपसे मांग रही है जवाब। आपने विधानसभा चुनाव में ऐलान करा कि जितने भी राजस्थान के नौजवान हैं बेरोजगार, उनको मिलेगा 3,500 रुपए का भत्ता प्रति माह। राजस्थान के नौजवान कर रहे हैं इंतजार। मार्च निकलता जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, सभी नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया, पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं करा। राजस्थान के नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। ये राजस्थान है वीरों की धरती, यहाँ से हमारे नौजवान जाते हैं भारतीय सेना में और देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान तो समझ आता है कि पाकिस्तान उसको असफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप और आपके लीडर भी उसको असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप और पाकिस्तान एक ही भाषा बोल रहे हैं। राजस्थान के वीर और वीरांगनाएं मांग रही हैं आपसे जवाब।